हाँ जी, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू करेंगे सहसा की शिलाजीत का। मैं हर एक चीज इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगा एंड एक नहीं बल्कि तीन तीन इसके प्योरिटी टेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। वाटर डिसॉल्विंग टेस्ट, फायर टेस्ट एंड अल्कोहल टेस्ट, इन तीनों टेस्ट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि क्या ये सहसा की शिलाजीत जो हिमालयन शिलाजीत है वो प्योर है या नहीं। जस्ट इन केस अगर आपने अब तक कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, डू ज्वाइन द कम्युनिटी यार, इट्स फ्री टू ज्वाइन, आप लोग का प्यार ही चाहिए। सबसे पहली चीज अगर हम पैकेजिंग से शुरुआत करें तो इस तरह की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। बाय द वे, ये 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको 894 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाता है ऑन Amazon एंड इसका जो प्राइस है फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी तरह से जैसे ही आप इसके बॉक्स को खोलेंगे आपको इस तरह की शिलाजीत प्यारी न्यारी देखने को मिलेगी एंड जो मुझे जो चीज पसंद आई वो ये देखिए, इस तरह का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर शिलाजीत का। एंड द गुड थिंग इज कि आप बिना किसी टेस्ट के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो शिलाजीत है वो प्योर है या नहीं। बस आपको करना क्या है, जितनी आपके पास शिलाजीत है हल्की सी लीजिए एंड आपको अपनी जीप पे रखनी है। अगर उसमें किसी भी तरह का पार्टिकल आपको महसूस हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो जो शिलाजीत है वो इम्प्योर है, उसमें मिलावट की गई है, उसमें चारकोल पाउडर या शुगर पाउडर कुछ ना कुछ मिलाया गया है। इसी के साथ ही अगर आपकी जो शिलाजीत में हल्की सी मिठास आ रही है, ये भी एक सिग्नल होता है कि आपकी जो शिलाजीत है वो इम्प्योर है। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं, व्हाट इज शिलाजीत। शिलाजीत एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है और इसे जो पहाड़ का पसीना भी कहते हैं। और इसमें बेहतरीन और बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे जो शायद ही किसी और सप्लीमेंट में आपको देखने को मिले। अगर आपके पास बजट नहीं है ना, मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट ये लगा के रखिए, आपकी आधी समस्या जो भी है वो खत्म हो जाएगी। शिलाजीत में आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं यार, एंटी एजिंग से बचाता है आपकी स्किन को। इसके साथ ही ना सिर्फ इतना, ये आपके झड़ते बालों पर भी काफी इफेक्टिव होता है। जी हाँ, ये आपके कोलेजन का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके जो बालों का झड़ना है वो कम जरूर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन कम जरूर होता है। घुटनों में से, हाथ पैरों में से अगर दर्द होता है तो आपकी जो भी दवाई चल रही है उसके साथ आप ये कंज्यूम कर सकते हैं और करके देखिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको जो है बेनिफिट जरूर होगा। इसके साथ ही अगर हम थोड़ी और बात करें तो इसके साथ आपको लैब रिपोर्ट इस तरह की देखने को मिल जाएगी जो कि ये जस्टिफाई करती है कि ये जो शिलाजीत है प्योर है। इसके अंदर आपको फ्यूलिक एसिड का जो कंटेंट है 66.6% देखने को मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टेस्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमारे वाटर में डिजॉल्व होती है या नहीं। मैंने ले लिया है थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर एंड हम इसको इसमें मिला के देखेंगे पानी में। अगर ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है तो योर शिलाजीत इज कम्प्लीटली फाइन, उसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। लेकिन आपको अगर थोड़े बहुत पार्टिकल्स नजर आते हैं तब भी चलता है। अक्सर ये लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको थोड़े बहुत पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं तो क्या वो इम्प्योर शिलाजीत है। नहीं, क्योंकि अगर इतने सारे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मिट्टी की तरह कुछ नीचे बैठ रहा है तो वो इम्प्योर शिलाजीत की निशानी होती है। अगर आपकी जो शिलाजीत में एक दो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं दैट्स ओके। सो ये ले ली है मैंने शिलाजीत अपनी सहसा की और ये है पानी, थोड़ा सा गर्म है, ये ल्यूक वार्म वाटर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने मिलाना इसको शुरू कर दिया है और ये खुलना भी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने अपना रंग ले लिया है पूरी तरह से, एक तरह से, और ये हल्की सी ब्राउनिश हो चुकी है। तो गाइस, दिस काइंड ऑफ लुक यू विल गेट फ्रॉम दिस शिलाजीत, इस तरह का आपको लुक देखने को मिलेगा। और आप इसके बॉटम में भी देख सकते हैं, मुझे तो कोई पार्टिकल नजर आ नहीं रहा है। अगर आप मंगाते हैं तो घर पे टेस्ट करके देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसने हमारा वाटर टेस्ट तो पास कर लिया है, अब टाइम है इसका फायर टेस्ट का, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में प्योर है। अगर ये फूलेगी और इसमें से ऐश बनेगा शिलाजीत का तो ये प्योरिटी का साइन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये रख दिया मैंने शिलाजीत को लाइटर के ऊपर और ये जो है फूलना शुरू हो चुकी है। देखिए कितनी बड़ी हो गई है फूल के, और अगर हम थोड़ी देर और रखते हैं तो और फूल जाएगी ये। और अगर हम बात करें कि ऐश में तब्दील होगी या नहीं, मैं 99.9% श्योर हूँ कि ऐश में तब्दील हो जाएगी। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये शिलाजीत का ऐश है, ये देखिए। तो दिस इज द प्योरिटी साइन कि आपकी जो शिलाजीत है वो वाकई में प्योर है या नहीं है। अगर इम्प्योर शिलाजीत आपके पास होगी वो इतनी ज्यादा नहीं फूलेगी एंड उसमें से सफेद धुआं नहीं निकलेगा, काले रंग का धुआं निकलेगा और ऐश में इस तरह से तब्दील नहीं होगी। अब हम कर लेते हैं यार अपना अल्कोहल टेस्ट, जहाँ पे हम ये देखेंगे
कि हमारी जो शिलाजीत है अल्कोहल में डिजोल्व होती है या नहीं। ऑलराइट गाइस, हमारे पास है ये वोडका, एंड क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जूस का ये जो ग्लास है वो ले रहा हूँ मैं। एंड हम इस वोडका को डालते हैं इस ग्लास में और इस ग्लास को रखता हूँ मैं साइड में। निकालते हैं अपने शिलाजीत। Now I want you to concentrate of the quantity. मैं कितनी दिखा रहा हूँ आपको, मेक श्योर करिएगा कि आप ध्यान से देखें कि कितनी ये शिलाजीत है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसे मिलाऊंगा तो ये इतनी की इतनी रहेगी, ज़्यादा खुलेगी नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम मिक्सिंग प्रोसेस शुरू करते हैं अपना। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये उतनी की उतनी ही क्वांटिटी है मेरे पास। एंड इसके साथ ही आपको और क्या प्रूफ चाहिए यार, मैंने आपको तीन टेस्ट सामने के सामने करके दिखा दिए। लैब टेस्ट आपको मिलती है, मैंने यहाँ पे टेस्ट के जरिए भी आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि वाकई में प्योर है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, क्योंकि मैंने खुद के पैसों से खरीदी है। ये बी रोल भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देता हूँ जो अक्सर आपके मन में होते हैं कि भाई कब खानी है। तो सबसे पहले तो आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया, या फिर आप दिन में खाना खाने के बाद खा सकते हैं। क्या महिलाएं भी इसे खा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल महिलाएं भी इसे खा सकती है, कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट मेरी खुद की मॉम भी इसे डेली बेसिस पे जो है कंज्यूम करती हैं। एंड साथ के साथ ही तीसरा सवाल उठता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस ये अलग बात है कि कई बार आप अगर हैवी डोज ले लेते हैं, 1 ग्राम तक अगर आपने ले ली, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो सकता है क्योंकि ये गर्म होती है। इसके साथ ही अगला सवाल आता है कि क्या ये हमारे जिम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा? बिल्कुल करेगा। इनफैक्ट मैं तो जिम जाने से पहले आधा घंटा पहले से पीता हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मेरा प्री वर्कआउट रहता है, क्योंकि एक तो आपका जिम में फोकस बढ़ा देता है, माइंड टू मसल कनेक्शन आपका अच्छा बनता है, एंड आपका फैट लॉस भी होता है। अगला सवाल मेरे से अक्सर ये पूछा जाता है भैया कि कौन सा ब्रांड हम ले। आप इसके साथ भी जा सकते हैं, आप उपकर्मा के साथ भी जा सकते हैं, कपीवा हो गया, एंड देर आर मैनी ब्रांड्स, रसायनम हो गया, क्योंकि उनकी जो शिलाजीत है मैंने खुद से टेस्ट भी करी है, टेस्ट भी करी है और आप लोग को दिखाया भी है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे वो कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मिला हो, मैंने हर एक चीज आपको करके दिखा दी है, आपके मन से सारे के सारे डाउट हट गए हो रिगार्डिंग शिलाजीत, कि आपको कौन से शिलाजीत के लिए जाना है। इसके लिए भी जा सकते हैं, हर एक चीज का लिंक यार डिस्क्रिप्शन में देता हूं मैं, तुम लोग देखते नहीं हो तो देख सकते हो वहां जाके। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।